छठ पर्व की धूम चंडीगढ़ के सेक्टर 42 न्यू सन लेक और पूरे चंडीगढ़ में देखने को मिली। हर साल यहां पर पूर्वांचल की सभी संस्थाएं मिलकर छठ पर्व में चार चांद लगा देते हैं और यही नज़ारा इस बार भी देखने को मिला। तो वहीं पर इस बार भी छठ पूजन में पूर्वांचल वेलफेयर एसोसिएशन, चंडीगढ़ पूर्वांचल एकता मंच और यादव लोक कल्याण सभा सभी संस्थाओं ने एकमत मिलकर छठ पूजा का सेक्टर 42 लेक में भव्य आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर चंडीगढ़ पुलिस के DGP प्रवीर रंजन पहुंचे। वहीं विशेष अतिथि के तौर पर चंडीगढ़ भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद, चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चावला, अकाली दल चंडीगढ़ के अध्यक्ष हरदीप सिंह पुरी पहुंचे। धूमधाम से आयोजन किया गया है और इसकी धूम पूरे चंडीगढ़ में देखने को मिल रही है। जगह जगह कार्यक्रम के आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। पिछले 20-25 वर्षों से छठ पूजा के हर कार्यक्रम में यहाँ आ रहा हूँ। कोरोना का टाइम छोड़कर जितनी भारी तादाद में लोग आज आए हैं, लाखों की तादाद में लोग हैं, मैंने चंडीगढ़ में किसी कार्यक्रम में इतना बड़ा लोगों का समूह नहीं देखा है। ये इस बात का सबूत है कि चाहे कोरोना आ जाए, चाहे कोई और आ जाए, लोगों का धर्म में अपनी आस्था जो है, जो विश्वास है, वो सबसे ऊपर है। और लाखों लोगों ने मिलकर जिस तरीके से कोरोना को मात दी है, बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं सभी आयोजकों को, यहाँ सब लोगों ने, पूर्वांचल वेलफेयर एसोसिएशन, बाकी सब लोग, सबने अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया, सबको बहुत बहुत बधाई। सूर्य उपासना के इस महापर्व पर सबसे पहले तो मैं चंडीगढ़ वासियों को और देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ जिन्होंने छठ व्रत किया है, और जो लोग पूर्वांचल से और यहाँ से भी जो लोग हैं उनको, उन पर भगवान की कृपा बरसती रहे। मैया, छठ मैया से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। ये हमारे लोक आस्था का बहुत बड़ा पर्व है और ये पूर्वांचल से शुरू हुआ था, अब धीरे धीरे पूरे देश ही नहीं, विदेशों में भी ये छठ पर्व, जो भी जिनकी भी मनोकामना पूर्ण होती है वो इस पर्व को मनाते हैं। ऐसा हुआ झा साहब कि 2 साल हमारा कोरोना काल की वजह से बीत गया। इस बार हमने बड़ा प्रयास किया और सारी संस्थाओं को एकजुट करने की हमने कोशिश की और मैक्सिमम संस्थाएं हमारे साथ मिलकर ये महापर्व मना रही है, जो कि बड़ी हमें खुशी की बात है। और हमारी ये ट्राई होगी कि आगे भी हम मिलकर भी कोई भी कार्यक्रम करें, एकजुट होकर ही काम करते रहें, क्योंकि ये बड़ा ही सौभाग्यशाली व्रत है जिसको कि बड़े नीत व्रत से मनाया जाता है। आपको बता दें, छठ पर्व का त्यौहार भारत के उत्तरी हिस्से बिहार, झारखंड आदि में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा आज यानी 10 नवंबर को की गई। आज संध्या के समय डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया गया। इस महापर्व के मौके पर छठी मैया को साक्षी मानते हुए भगवान सूर्य को अर्घ दिया गया। साथ ही भगवान से संतान की सुख समृद्धि और संतान प्राप्ति की कामना की गई। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पूर्वांचल की सबसे बड़ी पर्व है ये, और 4 दिवसीय पर्व है ये। ये हमें लगता है कि विश्व में इससे बड़ा पर्व कहीं नहीं मनाया जाता है। और जहाँ भी पूर्वांचल के लोग हैं, चाहे देश में हो या विदेश में हो, अपनी परंपरा को नहीं भूला, इसके लिए मैं पूरे यूपी बिहार के पूर्वांचल के लोगों को छठ पूजा का हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूँ। चंडीगढ़ में आज जो छठ पूजा हो रहा है, पूरे देश में अगर अवलोकन किया जाए तो इस तरह की व्यवस्था कहीं देखने को नहीं मिलती है। बहुत खुशी हुई, लोक आस्था का पर्व पूर्वांचल वासियों ने जो ढंग से यहाँ मनाया, एक अद्भुत है। सबका प्यार है और सबका साथ है। कोरोना के बावजूद भी नियम का पालन करते हुए सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से अपना दायित्व निभाया। मैं भगवान भास्कर से प्रार्थना करता हूँ, सभी सुखी रहें, सभी धन धान से परिपूर्ण हो जाए। हर एक साल इसी तरह होता है जी, और छठ पूजा हमारे बड़े आस्था का पर्व है, बड़े धूमधाम से हर एक जगह मनाया जाता है। ये तो नहीं, यदि पूरा चंडीगढ़ इकट्ठा कर दिया जाए तो पूरा चंडीगढ़ में कहीं ऐसा जगह नहीं है कि वहाँ लोग इकट्ठा होकर आंट सके। इस कॉलोनियों में हर एक जगह इससे ज़्यादा भीड़ है। इस तरीके से सारी पूर्वांचल की संस्थाएँ एक मंच पर हैं, उसको लेकर क्या? अभी सारे संस्था नहीं है, लेकिन हर एक जगह कॉलोनी के, जैसे हमारी संस्थाएँ कॉलोनी में 10 संस्थाएँ अलग अलग है, यहाँ भी कई जगह बैनर लगे हैं, एक जगह तो आ ही नहीं सकता है, इतना बड़ा परिवार है पूर्वांचल की, एक बैनर पे आ ही नहीं सकता। आपको बता दें, छठ का व्रत 36 घंटे निर्जला रहकर किया जाता है। कल यानी 11 नवंबर के दिन उगते हुए सूरज को अर्घ देने के बाद लोगों में प्रसाद का वितरण किया जाएगा, उसके बाद ही व्रत पारण किया जाता है। सभी व्रतों में सबसे ज्यादा कठिन व्रत छठ का ही माना जाता है। देखें सेक्टर 42 न्यू लेक से अजीत झा की एक्सक्लूसिव कवरेज। नमस्कार, मैं अजीत कुमार झा, खबर वन इंडिया की टीम आज चंडीगढ़ के सेक्टर 42 न्यू लेक सन लेक में पहुंच चुकी है। और आपको बता दें,
हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी छठ पूजा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें इस वक्त की तस्वीरें हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं और कुछ जिस तरीके से छठवर्ती महिलाएं हैं उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। छठ पूजा की बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है छठ पर्व। यहाँ पर कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। विनय दुबे जी क्या कहना चाहेंगे छठ पर्व को लेकर, जिस तरीके से धूम देखने को मिल रहा है? छठ पूजा हमारी मेन पर्व है। पूर्वांचल के उपाध्यक्ष चंडीगढ़ विनय कुमार दुबे। छठ पूजा महत्वपूर्ण से मनाते हैं, बुजुर्गों से हम मनाते आ रहे हैं। मेन पर्व हमारी छठ है। जिस तरीके से आज हजारों की तादाद में यहाँ पर जो लोग हैं छठवर्ती महिलाएं यहाँ पर पूजा कर रही हैं, उसको लेकर क्या कहना है? उसको उत्सव देखने के आती है यहाँ पे कि हमारी चंडीगढ़ में जनसंख्या यूपी बिहार की कितनी है, पूर्वांचल की कितनी है। ये तस्वीरें आपको चंडीगढ़ के सेक्टर 42 सन न्यूज सन लेक से दिखा रहे हैं। देख सकते हैं डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। सबसे ज्यादा ये त्यौहार यूपी और बिहार में मनाया जाता है। खासकर बिहार की बात करें तो बिहार में त्यौहार मनाया जाता है। बड़े ही आस्था का पर्व है छठ पर्व। आइए हम आपको कुछ और भी महिलाओं से बातचीत करना चाहेंगे जो छठवर्ती, जिन्होंने आज व्रत रखा था। किस सबसे पहले तो अपना नाम सिंह की। छठ पूजा की बात करें तो किस तरीके से छठ पूजा की शुरुआत होती है और कब तक इसकी खत्म होती है, कैसे शुरुआत? छठ पूजा की शुरुआत 3 दिन का पर्व होता है। आगे नहाय खाय होता है, उसमें कच्चे चावल की चावल पकाते हैं, चना की दाल खाते और घिया की सब्जी पहला दिन। और दूसरा दिन भर कर व्रत रखकर शाम को अरवे चावल की खीर, मीठे चावल बनाते हैं। शाम को भगवान का भोग लगाकर सूरज भगवान का और मीठे चावल खाते हैं। और 3 दिन का व्रत होता है। पहला दिन तो करते हैं लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, फिर लौकी के सब्जी या चावल या दाल चना के खाते हैं। दूसरा दिन तो दिन भर उपवास रहते हैं। शाम को खीर बनाते हैं भगवान के, अपना निकाल कर तब खाते हैं। आज तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन अर्घ देते हैं हाँ भगवान को। भैया आप तस्वीरें देख रहे थे चंडीगढ़ के सेक्टर 42 सन न्यू लेक से दिखा रहे थे आपको। और चंडीगढ़ के सुबह आपको हर घाटों से तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये सेक्टर 42 की आज शाम की तस्वीरें थी, पर सुबह सुबह जो है चंडीगढ़ के हर सेक्टर हर कॉलोनियों से आपको छठ घाटों की तस्वीरें दिखाएंगे। चंडीगढ़ से मेरे कैमरामैन रवि यादव के साथ अजीत कुमार झा की रिपोर्ट।